हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लाइट के बारे में। तो शुरू करते हैं। लाइट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट एक तरीके की एनर्जी है जो बेसिकली हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एनर्जी हमें मिलती कैसी है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है? सन। तो यानी कि सन से जो है एनर्जी मिलती है, प्लस हमें लाइट भी मिलती है। लाइट जो है वो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। बिना लाइट के हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। एक तो फैक्टर लाइट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड चीज़ आइज़। आइज़ का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं। तो लाइट के साथ साथ आइज़ भी इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट जो है एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमें देखने में हेल्प करती है। और लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है, ठीक है, ऐसे 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 नहीं ट्रैवल कर सकती। तो हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि लाइट कैसे सीधा ट्रैवल करती है। तो लाइट सीधा ट्रैवल करती है, ये एक तीन ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर होल कर दिए हैं। सामने आपके क्या रखा हुआ है? आपके रखा हुआ है सामने एक कैंडल। अब ये जो ब्लॉक्स हैं बिल्कुल सीधा हैं, तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस कैंडल की लाइट दिख रही है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर कर दूं, तो ऊपर करने से क्या होगा? ये जो है ये कवर कर लेगा इसको, राइट, और जो मेरी विजन है वो यहीं तक सीमित हो जाएगी। इसके आगे मैं देख नहीं पाऊंगी क्योंकि वो एक तरीके का ब्लॉकेज का काम कर रहा है। तो लाइट ऐसे नहीं है कि यहाँ से निकली फिर इधर गई फिर इधर निकली लाइक दिस और फिर ऐसे हमने देख लिया। लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करेगी। अगर यहाँ पर कोई भी रुकावट आ गई ना, तो लाइट हम चीज़ों को आगे तक नहीं देख पाएंगे। इसीलिए लाइट जो है वो सीधा ट्रैवल करती है इस तरीके से। इस तरीके से कभी भी लाइट ट्रैवल नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, फायर, बल्ब, इन सब की क्या है? खुद की लाइट है, ठीक है। वाइल नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि एप्पल, ठीक है। और ये टॉर्च हम नहीं लेंगे इसमें, बिकॉज़ ये क्या है? ये ल्यूमिनस है। मून, अर्थ, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो एक बार हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की रोशनी को निकालते हैं उन्हें बोला जाता है ल्यूमिनस। वाइल नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, इसमें ये टॉर्च नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के तौर पे है एप्पल, मून और अर्थ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट डजेंट एमिट देयर ओन लाइट और दे आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरों से रिफ्लेक्ट होके फिर दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये सन है, ओके, एंड दिस इज़ द मून एंड दिस इज़ द अर्थ। तो सन की रोशनी जब मून पे पड़ी तो ये चमकने लगा, और जब हम अपने अर्थ से मून को देख रहे हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोशनी की वजह से जब सन की रोशनी किस पे पड़ी? मून पे पड़ी, तो हमें अर्थ से मून दिखने लगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ही दिखाई देते हैं, वो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उन पर पड़ती है और फिर वो हमें दिखने लगते हैं। सो गाइज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। तो जब सन की किरणें किस पे पड़ रही है? मून पे। तो हमें ये मून कहाँ से दिखाई दे रहा है? अर्थ से दिखाई दे रहा है। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरीके से देखिए, ये सूरज की किरणें आ रही हैं और इसने मिरर ले रखा है। मिरर की वजह से ये लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करवा पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहाँ मूव कर लिया? इधर। तो इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, लाइट रेज को वापस भेजना, ठीक है, विच फॉल ऑन द सर्फेस, जो किसी सर्फेस पर पड़ रही है। जैसे कि सूरज की किरणें इस पर पड़ी और इसने वापस भेज दिया इसको, ठीक है। कहाँ अब ये पड़ रही है? यहाँ पर पड़ रही है। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। एक मिरर है, राइट,
और ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे वो रे होती है जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है। गाइस सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। रे ऑफ लाइट का मतलब है कि एक ही रे यानी कि एक ही रोशनी की किरण जो है वो सरफेस पे आ रही है, और बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी कहाँ पड़ रही है? किसी सरफेस पे। तो यानी कि अगर लाइट एक इंडिविजुअली पड़ रही है तो वो रे ऑफ लाइट है, और अगर वो ग्रुप में लाई कर रही है तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसी में क्या हो रहा है कि जो सबसे पहली रे कहाँ पड़ेगी? किसी सरफेस पे आके गिरती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। फिर वो रे क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी। वन सेकेंड, वो जो रे है वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक होती है नॉर्मल रे जो कि परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, उसे बोला जाता है नॉर्मल रे। तो क्या होता है ना, लाइट ऐसे आई, ठीक है, इधर से, और फिर वो रिफ्लेक्ट कर गई इस तरीके से, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक सरफेस पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बट कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, एक एंगल होता है आई और एक होता है आर, यानी कि एंगल आई क्या है? एंगल आई बनता है इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे के बीच में, उसे बोला जाता है एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको क्या होता है इसमें कि ये दोनों आपस में ना इक्वल होते हैं, और ये इक्वल तब होंगे जब रेगुलर सरफेस होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। एक लाइट आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रे होती है, एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में, अब हम पढ़ लेते हैं स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के बारे में। स्मूथ सरफेस में बेसिकली क्या होता है कि वो काफ़ी शाइनी होता है, और जो सरफेस काफ़ी शाइनी है उसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इवन इतना अच्छा होगा कि आप अपना फेस भी देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिरर, ये फ्लोर और वाटर, तो उसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। वाइल जो अनपॉलिश्ड होगा और डल सरफेस होगा उसमें रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उसमें आप अपना फेस वगैरह नहीं देख पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें ये कहता है कि तीनों रे जो है ना, कौन कौन सी, दिस इज द मिरर, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों रे जो हैं वो एक ही सरफेस पे आके मीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला रूल, पहला लॉ तो ये हो गया, क्या है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई होता है ना, ठीक है, और जो एंगल आर है वो एक दूसरे के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री का है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या था कि तीनों लाइनें एक ही जगह मीट करती हैं, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे। वाइल सेकेंड इज दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एक्चुअली टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। दो लाइट रेज जो होती हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही होती हैं, या हमें लगेगा कि वो मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इमेज जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सो रियल इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। रियल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। आप कभी सिनेमा हॉल गए होगे तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, पीछे से जो लाइट होती है वो सारी इस पर्दे पे आके गिरती है और फिर इमेज फॉर्म होती है, इसी को हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इमेज दैट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वो इमेज जो बेसिकली एक स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है उसे बोला जाता है रियल इमेज।
लाइट रेज एक्चुअल मीट, एक्चुअल में लाइट रेज जो है वो मीट करती हैं पीछे से आके, इधर आके सारी मीट कर जाती हैं और इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। वर्चुअल इमेज जो है इसमें लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, लेकिन हमें लगता है कि वो एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे ये कभी भी हमें नहीं मिलेगी। लाइट रेज अपीयर टू मीट, हमें लगता है कि लाइट रेज मिल रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो मिलती नहीं है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट इन द सेंस सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर कोई पेड़ है इस तरीके का, ठीक है, तो इमेज भी कैसी बनेगी उसकी, इसी तरीके से बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइक उसकी जो रूट्स हैं वो नीचे हो जाएं और इस तरीके से इमेज बने और पेड़ जो है इस तरीके से खड़ा हुआ है, इस तरीके से उल्टी इमेज नहीं बनती है। हमेशा कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती है। इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, सो बेसिकली प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर हम स्फेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, इसमें लिखा है कि इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर यानी कि शीशे के पीछे बनती है, ठीक है। दिस इज द मिरर, इसके पीछे यहाँ पर इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लाइट रेज असलियत में मीट नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, यानी कि जो लाइट रेज है, जैसे हमने पढ़ा था रियल में कि ये सिनेमा हॉल है, ठीक है, और इसकी जो स्क्रीन होती है पीछे से लाइट आ रही होती है तो सारी लाइट एक जगह मीट करती हैं और फिर इमेज बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है ना, उसमें बेसिकली हमें लाइट रेज को मीट करवाना पड़ता है। सपोज दिस इज़ अ मिरर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है, और किसी और डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, सो ऊपर कहीं कर गई एंड फिर यहाँ पर आई और इधर चली गई। तो ये आपको लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंड करने से क्या होगा ना, ये जो है ये एक जगह जाके मिलेंगे और जहाँ पर ये मिलेंगी लाइट वहीं पे इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म कर जाएगी। सो हमें इसको बढ़ाना पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से प्लेन मिरर में भी जो इमेजिनरी लाइन्स हैं या रेज हैं वो आगे जाके एक्सटेंड होती है और फिर मिलती है, फिर बनती है वर्चुअल इमेज। थर्ड है इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट मतलब है सीधी इमेज। ऐसा नहीं होगा कि टांगे ऊपर हैं आपकी दिखाई दे रही है इमेज में और सर नीचे दिखाई दे रहा है और आप इस तरीके से खड़े हुए हो, मतलब उल्टी इमेज ही बनती है। जिस तरीके से आप खड़े हुए हो आप वैसे ही दिखाई दोगे, ठीक है, बट फ़र्क इतना होगा कि आपका लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड दिखाई देगा और जो राइट है आपका वो लेफ्ट साइड दिखाई देगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो हम इसके बारे में इन डिटेल में अभी समझेंगे, उससे पहले फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फ्रॉम द मिरर, यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये मिरर है, ठीक है, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, ठीक है। अगर आप कोई कैंडल है यहाँ पर आप रख दे तो, ठीक है, दिस इज द कैंडल, तो वो कैंडल भी आपको मिरर में ना इतनी ही पास दिखाई देगी जितनी पास आपने रखी है, और अगर कोई चीज़ दूर रखी है तो वो दूर दिखाई देती है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो सेम दिखाई देता है। आगे बात कर लेते हैं लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एम्बुलेंस आपने देखी होगी, वन सेकेंड। सो इसमें क्या होता है, एम्बुलेंस ना हमेशा उल्टा लिखा होता है। आप किसी भी एम्बुलेंस को देखना, उसमें हमेशा एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग होगी ना वो उल्टी लिखी होगी। क्यों लिखी होती है, ताकि जो कार चला रहा है ना आगे इंसान, जब वो अपने शीशे में देखे तो उससे एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा दिखाई दे। इसी को बोला जाता है लिटरली इन्वर्जन ऑफ अ इमेज। नेक्स्ट इज सेम साइज। सेम साइज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही दिखाई देगा। ये नहीं कि आपने छोटी सी कैंडल रखी हुई है यहाँ पर और आप इमेज उसकी बहुत बड़ी देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता प्लेन मिरर में, ठीक है। वो डिफरेंट मिरर्स होते हैं जो आपको साइंस लैब में मिल जाएंगे, ठीक है, या किसी म्यूजियम में मिल जाएंगे। तो इतना ही है प्लेन मिरर के बारे में। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर का क्या यूज़ है, किस तरीके से होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, थैंक यू। को बताऊंगी स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्लेन मिरर कैसे होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज है वो कैसी दिखती है, सेम साइज़
और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे दिखता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज दिखती है, सीधी इमेज दिखती है, वर्चुअल इमेज होती है, मिरर के पीछे बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी प्लेन मिरर में। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर जो है बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम समझते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है ना, एक स्फीयर है ये मान लीजिए, ठीक है। इसको हमने कहाँ से कट कर दिया, यहाँ से और यहाँ से। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला होता है, यानी कि लाइट रेज आएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, ठीक है। वाइल जो कॉन्वेक्स मिरर है वो भी एक स्फीयर को कट करने के बाद ही हमें मिलता है, बट जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि रेज, सॉरी, जो रेज आएंगी ना वो आएंगी यहाँ से और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये अंतर होता है इसमें कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का मतलब ही क्या है, केव, उसमें केव छुपा हुआ है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो यानी कि अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, गुफा अंदर होती है ना गहरी, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर होगा। वाइल जो कॉन्वेक्स है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है बाहर से, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेंगी। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो प्लेन मिरर से कैसे अलग हैं। स्फेरिकल मिरर जो हैं वो कर्व्ड होते हैं, ठीक है, वाइल जो प्लेन मिरर होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये कर्व्ड होते हैं और स्फीयर में से ही इनको कट करके निकाला जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है स्फेरिकल मिरर। तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्शन अंदर से होता है, कोई भी लाइट आएगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी। वाइल जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, आउटर पार्ट जो है उसका वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो आप इसको एक स्पून से समझ सकते हैं, जो स्पून होती है, ठीक है, आपने स्पून का यूज़ करा होगा, ठीक है। तो स्पून का जो अंदर का पार्ट होता है ना उसको हम बोलेंगे कॉनकेव, और जो स्पून का बाहर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तरीके के मिरर होते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने बता रखा है कि कॉन्वेक्स में जो है वो बाहर का आउटर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉनकेव में अंदर का जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कि जितनी भी सारी रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर एक लाइट आती है, एक रे आती है, इंसिडेंट रे, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी नीचे की तरफ, और अगर कोई रे यहाँ से आ रही है तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरीके से। और ये दोनों मिरर, सॉरी, ये दोनों जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है, तो ये मीट करती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कन्वर्जिंग रे, ठीक है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो बेसिकली रेज होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं। मैं बताती हूँ कैसे। तो ये हमारी एक लाइन है, यहाँ से रे आई ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, और यहाँ से एक रे आई इधर चली गई। सो बेसिकली ये जो रेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो फैल रही हैं, ठीक है, एक इधर की तरफ चली गई, एक इधर चली गई, ठीक है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि आगे जाके मीट करेंगी, तो ये मीट कहाँ करती हैं, पीछे की तरफ मीट करती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेज हैं वो क्या हो गई हैं, वो डाइवर्ज हो गई हैं, ठीक है, फैल गई हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर में वो फ्रंट में होता है, ठीक है, यहाँ पर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये रेज कहाँ से आती हैं, कहाँ पर जाती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और इसके रूल्स हैं उसको हम देखेंगे। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानने के लिए है कि जितनी भी रेज आएंगी वो एक पॉइंट पर आके क्या कर जाएंगी, मीट कर जाती हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। वाइल इधर जो है जितनी भी रेज हैं वो फैल जाती हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डाइवर्ज।